नवग्रह और पारा खाने निकले हुए हैं हमें बताने। अगर समझ ले हम में क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हम में कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। कहते हैं कि जब इंसान खुद से प्यार करता है तो दूसरों से भी प्यार कर सकता है। जब वो अपने आप को ही इग्नोर करेगा तो दूसरों को कैसे गले लगाएगा। कि जिस तरीके से हम भारतवर्ष को इतना सुंदर बना रहे हैं, चाहे वो अलग बात है कि गलत ताकतें हमारे को कमजोर करती हैं, लेकिन हम कमजोर होते नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को कमजोर नहीं कर सकता। और जो दौलतमंद इंसान भारतवर्ष के अंदर है, जो वो भारतवर्ष के अंदर एंजॉय करता है, उसको खाना पीना जो उसको इतना बढ़िया मिलता है, बाहर के मुल्कों में ये सब कुछ नहीं मिलता। सब जाके मैंने देख लिए, जितने भी आपको वहाँ पर इंडियन मिलेंगे बाहर, कोई संतुष्ट नहीं। क्योंकि मैं यूके में 2 महीने लगा के आया हूँ कि उन्होंने अभी भी हिंदुस्तान इंडियंस के साथ वही रखा हुआ है कि पहले इनको पैसा दे दो, कर्जे में दबा दो, और फिर इनके साथ जो है, क्योंकि एक मेंटेलिटी बन जाती है एक इंसान की कि क्रेडिट कार्ड दे दिए, कर्जा दे दिया, अब वो चुकाएं कैसे। अब वो चाहे उनके बच्चे हैं, फिर उनकी बीवियां हैं, काम करने लग जाती हैं कि कैसे भी करके जो है दाना पानी तो चाहिए ही है। हम ये कह रहे हैं कि लाल किताब, कहते हैं कि ये, जैसे मैंने बताया कि ये कोई लाल ना किताब नहीं है ये। और जो कोई कहता है कि जी ये मेरे पास लाल किताब है, वो आपको भ्रमित कर रहा है। क्योंकि ये जो मैं आपको उपाय बताता हूँ, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है, मेरे पास गॉड गिफ्ट है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आती है बात कि हम अपनी जिंदगी को, कहते हैं कि इंसान अपने मुंह में जब निवाला चला जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है। तो जहाँ पर भी शोमैनशिप होगी तो वहाँ पर तो शोमैनशिप ही रहेगी, असलियत की तरफ हर इंसान की जाने की इच्छा होती है कि मैं असलियत की तरफ चलूं। क्योंकि नमक का सब्स्टिट्यूट तो कोई है नहीं, नमक है तो नमक ही चाहिए। ऐसे ही आपको अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए आपको, आपकी कुंडली ही जिम्मेदार है। जैसे कुंडली आपकी जिम्मेदार है, ऐसे ही आप कुंडली के जिम्मेदार हैं उसको। क्योंकि जैसे ऑन रिकॉर्ड बातें जो ज्योतिष करते हैं कि ये मंगलिक है, या इसको काल सर्प योग है, या इसको ये है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवार के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिसकी कुंडली में दोष ना हो। सबकी कुंडली में दोष होता है, क्योंकि जब देवी देवताओं की कुंडली में दोष है तो इंसान को तो कुछ, क्योंकि अगर ये वो सोचे कि ये मेरे पुराने कर्म है, ये कर्मों की वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, ये कोई ऐसी कुछ भी नहीं। हाँ, बात वो है कि जिसे कहते हैं कि किस्मत का फेर, लेकिन क्या है कि जब इंसान की मृत्यु का नहीं मालूम है तो ऐसे ही पैदा होने का भी नहीं मालूम है। जब उसने पैदा होना है होना, अब उस समय जो समय, जो समय का जो चक्र चल रहा है, वो समय का चक्र क्या चल रहा है, किस समय उसकी पैदाइश हो गई, उसी दिन वो संसार में आ गया और वो पाबंद हो गया अपने आप में।
क्योंकि वो ग्रहचाल उस समय वो चल रही थी, ग्रहचाल को कोई नहीं रोक सकता। अब वो जब ग्रहचाल चल रही थी उसमें अगर मान लो मंगल के साथ अगर पापी ग्रह जैसे राहु आ गया या केतु आ गया तो ये पक्की बात है कि भाई उसका है नहीं है एक बराबर है। ऐसे ही सूर्य के साथ अगर राहु या केतु आ जाता है तो पिता उसके हैं नहीं है एक बराबर है। तो ये राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, ये सृष्टि के साथ भी ये मिले हुए हैं। हमारे कुंडलियों में तो ये है ही है, लेकिन देवी देवताओं के साथ भी ये थे। तो अपने को कोसना ये कौन सी बड़ी बात है? ये आपको ये मालूम है कि हर चीज का एक अल्टरनेट होता है। आपके दोष माइनस कैसे हों ये कुदरत ने एक जैसे लाल किताब के उपाय हैं इसका आपको जरिया बता दिया। अब जिसकी कुंडली में दोष आ गया तो वो लाख पूजा कर ले, वो पूजा उसकी सफल नहीं हो सकती। लाख मंत्र कर ले उसका मंत्र पूरा नहीं हो सकता। क्यों? कि जैसे ग्रहण लगता है तो आपको मालूम है कि ग्रहण के समय मंदिर बंद हो जाते हैं और जैसे ही ग्रहण का समय खत्म हुआ मंदिर खुल जाते हैं। अब जो मंदिर आपने घर के अंदर क्रिएट करा हुआ है, देखो कितनी बड़ी बात है, आपका बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, घर के बाहर मंदिर है, अब वहां जाओ, वहां पर पुजारी है, बकायदा वो उनको स्नान कराता है, मूर्ति को उनका जो है कपड़े बदलता है, भोग लगाता है, आरती करता है। तो ऐसा हम घरों में थोड़ी कर सकते हैं। जो अगर आप जरा सी बात होती है आप सोचते हो भाई ये मेरे बस की नहीं है, तो क्या पूजा करना आपके बस की है? आप अपने अब जब आपकी आप जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते तो आप जिम्मेदारी लेते क्यों? आप जो बड़ी बड़ी मूर्तियां, कईयों ने तो पूरा का पूरा पता नहीं जितने भगवान है वो सारे एक रख दिए और हाँ जी सोचते मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इसमें कौन सा बड़ा काम क्या है? जहां पर ये सारा ज्यादा आडंबर होगा उसी घर के अंदर ज्यादा परेशानी होती है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।